हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और आज हम खेल रहे हैं यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 का मल्टीप्लेयर। आज मैं आईवीको का स्ट्रैलिस वाला ट्रक चला रहा हूं जो 560 हॉर्स पावर का है। एंड आज हम लेके जाएंगे, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं, लेकिन आज हम डोवर में हैं यानी कि यूके में, और यहाँ से हम शायद फ्रांस जाएँ। तो आप सोच रहे होंगे कितना अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा, ओह माय गॉड क्या करूँ। अब बताओ, अब ठीक लग रहा है? लेट्स गो। सो मैंने यहाँ पर इस ट्रक में काफ़ी मॉड्स डाल दिए, मॉड्स नहीं डाले सॉरी, मॉडिफिकेशन तो कर दिए इसको ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखें। अंधेरे में खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन लाइट है देखो ना, इतनी ब्राइट है। हम इनको स्विच भी कर सकते हैं ऑन ऑफ जैसे करना है, लेकिन अंधेरा इतना है, मैंने कहा भाई सब चाहिए, लाइट चाहिए ही चाहिए। ये GPS हमें यहाँ से क्यों बता रहा है? लेफ्ट थोड़ी ले सकते हैं भाई, यू टर्न से। या सामने वाला गलत जा रहा है या मैं गलत जा रहा हूँ? आई थिंक GPS गलत बता रहा है। हम आगे है यूरो गुडीज, इजी गुडीज बोलने वाला था। सो वी गो टू फ्रेट मार्केट। ओके, एलमेंट है और कैंट पोक। हम एलमेंट लेके जाएंगे क्योंकि 294 किलोमीटर की जर्नी होगी, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल अच्छी है। एलमेंट भी 17 टन का है, ज़्यादा भारी नहीं है, तो 11,000 यूरो भी है। सो लेट्स टेक दिस जॉब। और मैं कभी भी ले हावर गया न्यू फ्रांस में, लेट्स टेक द जॉब। ओ भाई साहब, हमारा ट्रेलर हवा में बहुत उठ गया। अबे मेरा ट्रेलर लेके ये कौन सा ट्रक खड़ा हुआ है? यहाँ दो ट्रक हैं अपेरेंटली। लेकिन पीछे वाला ट्रक तो अपना ट्रेलर लेके ही नहीं गया। और मैंने एक और चीज़ सीख ली, कैसे हम अंदर ऑडियो बंद करते हैं लोगों का, वो तो मैंने सीख लिया ट्रांसमिशन वाला फाइनली। थोड़ा सा दिन होगा तभी बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी तो दिख नहीं रहा ज़्यादा, और बीच में अगर मैंने रोड पे रोक लिया तो गलत हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे टर्न्स आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रखी है ऐसा लग रहा है GPS। यहाँ से थोड़ी लेफ्ट लेते हैं। अरे क्या हो रहा है ये? लेफ्ट हैंड राइट हैंड के चक्कर में भी मैं आधे से ज़्यादा टाइम कंफ्यूज हो जाता हूँ। काफी लोग खेल रहे हैं यहाँ पर भी, अराउंड 13 लोग हैं यहाँ पे। भाई बहुत ब्राइट है। अरे रेड लाइट हो गया, मच गए। एक जगह रुक के हम लाइट स्विच कर लेंगे। ऑन ही कर लेते हैं। गेम टाइम क्या हो रहा है अभी? थर्सडे 2 बज रहे हैं गेम टाइम के, और सच में अराउंड 2:30 हो रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, सो शाउट आउट्स के चांस आर सुपर लो। आईवीको का भी ट्रक चलाया अभी काफी टाइम हो गया है, जो जनरल हमें मिलता है यूरो ट्रक में। ये स्ट्रॉलिस भी बहुत टाइम पे चलाया था, याद भी नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम स्ट्रॉलिस चलाया था। देखते हैं फ्रांस भी कोई जाता है इनमें से कि नहीं, या ज़्यादातर कैले से जाएंगे, थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। सीधा ही जाना है हमें। हमारे राइट में है एक बंदा, अब दूर होता जा रहा है।
आधे से ज़्यादा टाइम तो इस गेम में सबको ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कोई ठोक के ना चल जाए। मुझे भी ये डर रहता है वैसे, क्योंकि टर्न्स पे अगर बाई चांस मिस हो जाए गलती से तो चांस है कि तुम बैन हो जाओ। और यहाँ पर क्या हो गया? हमने टनल से जाना है। ओके, फिर से यू हैव एंटर्ड नॉन कोलिजन जोन, तो यहाँ कोई चिंता ही नहीं है, ये तो बंद है हमारे लिए, ये खुला है। नॉन कोलिजन जोन का यही फायदा है कि कोई इशू नहीं होता है, हम इसे ऐसे ही पार्क कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नेसेसिटी नहीं है कि आप कैसे पार्क करोगे, यहाँ पे पहुंचना तो आपने जहाँ है वहीं पहुंचोगे। वी गोइंग टू कैलिस, ओह माय गॉड कैलिस, नाइस। तो हम कैलिस जाकर वहां पर फिर हम वहां से फ्रांस जाएंगे, ऑब्वियसली पोर्ट जहां पर है वो वहीं होगा। और हम एलमंड लेके जा रहे हैं जो कि मेरे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, कहता है सर, लेकिन मुझे भी एलमंड खाने की जरूरत है क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम पे मैं भूल जाता हूँ किसको क्या बताना है, चाहे वो गेम के लिए भी हो, जैसे कमेंट्स भी भूल जाता हूँ मैं, हो जाता है कभी कभी। बट आई होप आप लोग ये एंजॉय कर रहे हैं यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 का मल्टीप्लेयर। कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इस वीडियो को भी लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मज़ा आ रहा है। वो इंसान अभी वहां से वापस जा रहा होगा जहां से हम आ रहे हैं। देखते हैं जहां पर हम ये ट्रिप खत्म करेंगे, अगर मैं वहां पर आप लोगों को बता सकूं कि ये ऑन ऑफ कैसे करना है ऊपर जो हमारा सिस्टम लगा है। और इसमें काफी चीजें हैं जो मतलब पता होना चाहिए और मुझे खुद नहीं पता था, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि इतना इन्होंने बनाया होगा। जैसे आपको लग रहा होगा ये ऊपर वाला तो ऐसे ही है, इस पे बटन बटन तो कुछ है नहीं, शो ऑफ के लिए वहाँ 19 लिखा होता था। सच बताऊं शो ऑफ नहीं है वो, एक्चुअली काम करता है। उप्स, उत्तरी कैसा लग रहा है ना अगर ऐसे चलाएं हम। ओह सॉरी, अच्छा लिखा है कि टर्न योर हेडलाइट्स इफ यू विल नॉट एनेबल देम यू विल बी किक्ड विद इन 15 सेकंड्स। अरे भाई चल रही है, सब चल रहा है। पहले हम लाइट्स को ऑफ कर लेते हैं जो डबल है ना, सो वी F4 दबाते हैं हम, या तो बीकन ऑफ करो या ओ नहीं, लो बीम अगर ऑफ की तो ये दोनों ऑफ हो जाएंगी, तो रूफ या फिर ये रख लेते हैं फ्रंट ऑक्सिलरी। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने F4 दबा के किया। अरे तो ये नॉन कोलिजन जोन है तो यहाँ पर हम नहीं ठोकते। आई थिंक यू हैव लेफ्ट द नॉन कोलिजन जोन, तो ये जो है अब नॉन कोलिजन जोन निकल चुके हैं, तो यहाँ पर ठुक ठाक सकते हैं। देखो कितनी लाइटें जला के आ रहा है। बंदा फंस गया। अच्छी फीलिंग आई है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपको चलाना कहाँ पे ट्रक, अगर आप नॉर्थ में चलाओगे तो ही आपको बंदे मिलेंगे और आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। ऑडियो से इंटरेक्ट करना थोड़ा डेंजरस है क्योंकि लोग कुछ भी बोल जाते हैं इसमें, तो आई
अगर ऐसा सीन है तो ना करें। सॉरी ब्रो, हॉर्न बजाना भूल गया मैं। मेरा ध्यान इस पे था। अच्छा, यहाँ कट्स बंद है। ओह, कंस्ट्रक्शन, ये पहले तो नहीं देखा मैंने। कैलेस में ये नया था। पीछे जो आप देख रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया, जो रोड था वो पहले नहीं बना था। रात को चलाने का भी अलग ही मजा है। ए, टोल बूथ। टोल बूथ आ गया ना, सीम्स लाइक इट। फ्यूल तो हमारे पास काफ़ी है। मैंने ट्रक अभी खरीदा है बिकॉज हम सारे ट्रक्स की कोशिश कर रहा था मैं ट्राई कर लूँ, जो जो अगर नहीं करें बिकॉज वही सही फंडा है। कभी कभी इतने सारे ट्रक चला लेते हैं हम, याद नहीं रहता कौन सा रह गया, कौन सा चलाया है, क्या है, सब भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, लाइक एक चलाया कि नहीं, वॉल्वो के इतने सारे ट्रक्स देखे, नहीं का पता नहीं कौन सा चलाया है। सबसे पावरफुल मेरे चलाए मैं 750 730 को। भाई साहब, ओके आ रहा है, आ रहा है, जा भी जा। हाँ ठीक है ठीक है, जा जा। तो आई थिंक वो वॉल्वो का ट्रक था, मैं ध्यान नहीं गया। पिकअप भी अच्छा है उसका एज कम्पेयर टू हमारे आई वीको का। हम अभी 100 भी नहीं कवर कर पाए हैं, मैक्सिमम 110 ही है मेरे हिसाब से। चेक करना पड़ेगा मुझे, कहीं क्या पता 110 के ऊपर भी हो। मेटालिक, ये बंदा जो हमारे आ गए अराउंड 220, उसकी स्पीड हमसे काफ़ी ज़्यादा पे लग रही है यार। फाइनली हम स्पीड गेन कर पाएंगे थोड़ी सी, और देखना वो कहीं और चल जाएगा, हमें कहीं और जाना होता है। डैम, हम भी वहीं जा रहे हैं। नाइस, बेहावरे पालुएल। स्पीड कम। थैंकफुली उस रोड पे अभी कोई भी नहीं आ रहा, सामने से आ रहे हैं, पीछे से नहीं आ रहा कोई, वरना ये डेडली कट हो जाता। MCMKD, सेम सेम क्लैन ग्रुप के मेंबर्स हैं।
मेटालिक ध्वजा कहाँ चले गए भाई? 400 मीटर दूर हमसे, ऐसे कैसे हो गया? स्पीड तो हम दोनों की सेम है, तो चेंज तो नहीं होना चाहिए ना उसको, अनलेस वो लेफ्ट राइट ले चुका है, और ऐसा नहीं लग रहा मुझे। कॉन्स्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं ना सर? अच्छा, उसने ले ली जलेबी टर्न, यहाँ से राइट, हमने सीधा जाना है। ओके ओके ओके, साढ़े तीन बज रहे हैं गेम के, रियल टाइम हो रहा है अभी यहाँ पे 2:40 AM। अभी टेढ़े मेढ़े कैसे भी चला लो, कोई है ही नहीं, तब तक तो चिल कर सकते हैं। उप्स, ये मैंने नकल्स क्रैक किए क्योंकि बहुत टाइम से कीज को दबाई जा रहा हूँ। हमारी टोल रोड यहाँ पे एंड हो जाएगी। हाँ, 110 की स्पीड लिमिट लिखी है, तो इसका मतलब है कि 110 के ऊपर चला ही नहीं सकते। ओके, ले हाफरे भी आ गया हमारा, ले हाफरे क्या बोलेंगे। सीधे जाना है? नहीं 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 राइट जाना है। देखो ये जीपीएस में ये इशू होता है जब आप बहुत पास से खेल रहे हो। तीन लोग हैं यहाँ पर, अपेरेंटली 4 लोग हैं। ओ, 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 कितनी पतली गली, अरे भाई साहब। अरे इधर नहीं जाना, इधर जाना है। यहाँ बैठे हैं ये लोग, होपफुली मैं अब आप लोगों को दिखा सकूं कि आपको मल्टीप्लेयर में ऑन ऑफ कैसे करना है रेडियो। यही 4 लोग थे शायद, हाँ यही 4 लोग थे इसमें। ओह इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, मस्त लग रहा है। आ गए, पार्क कहाँ करना है? ना दूर, चलो
वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार ये दिखा देता हूँ जो ऊपर ट्रांसमिशन है उसको कैसे ऑपरेट करना है। जैसे आपने टैब दबाया, टैब दबाने के बाद ये खुल जाता है ना प्लेयर्स नियर यू, इसको क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें अपने माउस में। राइट क्लिक करने के बाद आपको ये बेसिकली इस पार्ट पे ध्यान देना है। अगर आपने ये दबाया तो ये देखो आपका रेडियो ऑन हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो आपको चैनल की फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है तो अगर थोड़ा राइट को दबाओगे आप तो बढ़ेगा, ठीक है, जैसे 1 2 उस हिसाब से। अगर आपको पीछे जाना है तो थोड़ा सा लेफ्ट को दबाना पड़ेगा, ओके समझ हियर। तेज बढ़ाने के लिए इधर एंड कम करने के लिए इधर। तो ये चैनल फ्रीक्वेंसी पे, मान लो अगर हम दो लोग खेल रहे हैं, मैं कहूँगा कि नंबर वन फ्रीक्वेंसी पे आ जाए, नंबर वन पे कोई नहीं खेल रहा, तो हम दोनों नंबर वन पे करके खेलेंगे और बाकी सारी चीज़ें आई थिंक वॉल्यूम से रिलेटेड हैं या नॉट आई डो नॉट नो, लेकिन ये और ये तो चीज़ पता है मुझे चलती है। ये इससे ऑन होता है और ये यूजली अगर आपने देखा होगा तो ये 19 पे था, ऐसे था, तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या, मैंने कहीं देखा तो बाद में पता चला ये इसलिए है कि ये हमारा ऑन ऑफ करने के लिए है। जो लोग बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और हमें पता नहीं कि वो चुप कैसे करें, तो ये बटन से चुप हो जाता है। ये करके मैंने इसे बंद किया हुआ है और यहाँ पे बाकी चीज़ें दिख जाती हैं। जैसे मान लो ये बंदा बहुत बोल रहा है, ठीक है, तो आई थिंक इसको म्यूट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए भी है शायद कुछ, हाँ ये रहा रिपोर्ट करने वाला, तो अगर ये बंदा बहुत बोल रहा है मैं इसको म्यूट कर दूंगा, ऐसे ऐसे करने की भी चीज़ें हैं। तो बाकी सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर हैं सारी, मल्टीप्लेयर की, साउंड, ग्राफिक्स, इंटरफेस, थोड़ा थोड़ी सेटिंग्स दी हुई हैं और यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। गलती से एस्केप दब गया मुझसे, तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर देते हैं और इसको हम टैब से बंद कर देते हैं। तो ये ट्रिप पूरी हो गई है, तो अब टी दबा के इसको करें एंड। एंड ये हो गए खत्म पूरे पैसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो टी मत क्लिक करें, लाइक क्लिक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऑब्वियसली 20 लाइक्स के बाद नेक्स्ट वीडियो अनलॉक हो जाएगी, तो प्लीज लाइक करना बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है कि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ऐसा कंटेंट चाहिए, आप लोग इसे कनेक्ट होना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करोगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको पहला लाइक करने का मौका मिल जाएगा। देखते हैं कि कौन फर्स्ट कमेंट करता है वीडियोस में एंड चेन बनाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। काफी लोग होते हैं जो मुझसे पहले कमेंट कर देते हैं, तो दैट्स ग्रेट। सो दैट्स दैट एंड बस आज की वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।